हेलो व्यूअर्स, मैं ललन सर पुनः उपस्थित हूँ आपके यूट्यूब चैनल आर्यन अकेडमी में। आपके लिए सस्पेंस से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स को लेकर, या थ्योरम जो क्लास 9th के ऐसे स्टूडेंट के लिए है जो CBSE बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड के लिए भी उतना ही उपयोगी है, क्योंकि दोनों बोर्ड जो है अब इंस्ट्रक्टर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। मीडियम सिर्फ इंग्लिश एंड हिंदी का है। अब हम थ्योरम क्या है उसको पढ़ते हैं, फिर उसको करते हैं। थ्योरम है द लाइन ड्रॉन थ्रूआउट द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड इस परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। तो इसका मतलब हुआ द लाइन ड्रॉन थ्रूआउट द सेंटर, सेंटर से सर्किल के सेंटर से हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, सर्किल के सेंटर से ये जो कॉर्ड होगा उसको बाइसेक्ट करेगा, यानी कि कॉर्ड को जिस पॉइंट पे कट करेगा वह मिड पॉइंट होगा। बाइसेक्ट का मतलब है एक कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, और वह परपेंडिकुलर होगा सेंटर से जो लाइन ड्रॉ होगा वह क्या होगा, कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होगा। यही हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ये जो लिए हैं हम पहले से बना के रखे हैं उसको हम लिख लेते हैं। जो लिए हैं गिवन ए बी बी ए कॉर्ड, किसका कॉर्ड है भाई, सर्किल का, ऑफ ए सर्कल, सर्किल कौन सा है, सेंटर रेडियस। इसमें क्या है, बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को तो डी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। एंड डी बी द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, डी जो है मिड पॉइंट है कॉर्ड का। इस प्रकार क्या हो जाएगा, सच दैट, हम इसको लिख लेते हैं ए डी इक्वल टू बी डी, ए डी इक्वल टू बी डी। अब इसमें जो है हमको प्रूफ करना है वो लिखते हैं। प्रूफ क्या करना है, ओ डी परपेंडिकुलर होगा ए बी पे, टू प्रूफ, प्रूफ ओ डी परपेंडिकुलर ए बी, ये हमको प्रूफ करना है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो कंस्ट्रक्शन यहाँ कर रहे हैं वही लिखेंगे, ओ ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, मिला दिए। अब हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। अब मेरा तैयार है, हो चुका है प्रूफ। प्रूफ इन ट्रायंगल ओ डी ए एंड ट्रायंगल ओ डी बी, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में क्या है, यह और यह इक्वल है, क्योंकि रेडियस जो है किसी भी सर्किल का इक्वल होता है। ओ ए इक्वल ओ बी, रेडियस का प्लूरल रेडी होता है, रेडी आर इक्वल ऑफ ए सर्किल। इसके बाद ए डी, ए डी इक्वल होगा बी डी का जो कि दिया हुआ है पहले से गिव है, एंड यह जो है कॉमन है दोनों, ओ डी, ओ डी इक्वल टू ओ ओ डी क्या है, कॉमन है तो इक्वल ही होगा, कॉमन, कॉमन है, देयरफॉर ट्रायंगल ओ डी ए कंग्रेंट होगा ट्रायंगल ओ डी बी का, बाय साइड 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 कंग्रेंट टू, कंग्रेंट टू से क्या होगा, देयरफॉर जब ये कंग्रेंट होगा तो सच दैट एंगल ओ डी ए इक्वल होगा एंगल ओ डी
बी का कंग्रेंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रेंट ट्रायंगल से, जब ये इक्वल होगा तो हमको क्या दिखाना है कि यह परपेंडिकुलर होगा कॉट पे, यानी कि ओडी परपेंडिकुलर होगा। इसके लिए क्या करना होगा, बट एंगल ओ डी ए प्लस एंगल ओ डी बी जो होगा कितना होगा, या लीनियर पेयर हो तो 180 डिग्री होगा। किससे, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर। जब 180 होगा तो हम इसको, यहाँ इक्वल भी है और यह लीनियर पेयर है, तो हम जब इक्वल है तो हम इसको लिख सकते हैं, देयर फोर 2 इंटू एंगल ओ डी ए इन 2 इंटू एंगल ओ डी बी इक्वल टू 180 डिग्री। देयर फोर जगह नहीं है, देयर फोर एंगल ओ डी ए इक्वल टू एंगल ओ डी बी, ओ डी बी इक्वल टू 90 डिग्री। जब 90 डिग्री हो गया तो परपेंडिकुलर हो ही गया, देयर फोर ओ डी परपेंडिकुलर ए बी, ए बी पे कॉट पे परपेंडिकुलर है, जो कि प्रूफ हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, जो व्यूअर्स अभी अभी इस चैनल पे आए हैं, प्लीज़ उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि उनका भी मोटिवेशन हो और उनका भी सहानुभूति आपके साथ साथ हमें मिले। और ऐसे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं आप प्लीज़ वीडियो सब्सक्राइब कर, बेल आइकन दाब कर मेरा मोटिवेशन करें। नेक्स्ट वीडियो तक हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद।